भाई स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई मूवी, चालबाज के मूवी की स्टोरी और कुछ फैक्ट्स। आपको अच्छा लगेगा इन फैक्ट्स को सुनकर। और चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मूवी हंटर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित, अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित, राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित, आफास हुसैन द्वारा वितरित, लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जिन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है।
हालांकि पार्टी में शांत है। वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक झुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों ओर को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्ग्रस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं, तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अंबा और बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण शाशा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत
संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देओल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहू अनु कपूर, विश्वनाथ साइदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, आफ्ताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वें सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह की फिल्म एक हत्यारी की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करें। चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित है। फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिन, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।
फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मल्श्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक जुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्गस्ता हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू
द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की जुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अम्बा और बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देवल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहु अनूप कपूर, विश्वनाथ साइदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है, तो विशिष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिक्स की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा, श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में
25 फिश सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन, और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन करें चालबाज। पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित है फिल्म। जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित, अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा, संपादित आफास हुसैन द्वारा, वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और यह 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जिन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है।
दूसरी ओर मंजू एक जुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्गस्ता हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट हो करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं, तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अम्बा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अम्बा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की जुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अम्बा और बलमा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की।
संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देओल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहु अनूप कपूर, विश्वनाथ, साइदी जाफरी, बटुक नाथ, शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, आफ्ताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है, तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन एक्सप्रेस के बात कहते हुए निर्देशक चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।
फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक जुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्ग्रस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू
द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की जुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अंबा और बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते हैं और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती है। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देओल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहु अनूप कपूर, विश्वनाथ साईदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी ग्लिंस के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है, तो वरिष्ठ रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा, श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में
25वें सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा, वाइट डॉन और यह की फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन एक्सप्रेस के बात कहते हुए निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित, अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित, राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे अभिनीत, श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और यह 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है।
हालांकि पार्टी में शांत है। वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक झुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों ओर को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्ग्रस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट हो करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं, तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अम्बा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अम्बा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अम्बा और बलमा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण शाशा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत
संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देवल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दो अनु कपूर, विश्वनाथ साईदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफ्ताब शिवदानी, तिंत्रिक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह की फिल्म एक करे। चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित है। फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिन, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में
श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक झुग्गी में खुशहाल भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्गस्ता हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार
हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अंबा और बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू, सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज, मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बीमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देवल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहु अनूप कपूर, विश्वनाथ साइदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी, श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है, तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिक्स की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा, श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा, वाइट डॉन और यह की फिल्म एक हत्या करें।
चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित है। फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित, अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और यह 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम, घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक जुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है।
एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्गस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट हो करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं, तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अम्बा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अम्बा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की जुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अम्बा और बलमा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि यह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहां से आया गदबद हो गया, नाम मेरा
प्रेम काली भूत राजा तांडव नृत्य संगीत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान ना जाने कौन से आया ना सर्वश्रेष्ठ प्रव महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी सूरज सनी देओल जग्गू रजनीकांत त्रिभुवन अनुपम खेर अंबा रोहिणी दो अनूप कपूर विश्वनाथ साईदी जाफरी बटुकनाथ शक्ति कपूर अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी ब्लाइंड भिखारी कादर खान राजू राजा जुड़वा अफताब शिवदानी तिंत्रिक जोनी बाबा जॉनी लीवर बैंक प्रधंक अजय वादकर फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के ऐसी आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो विशिष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया रजनीकांत फिल्म में साइकिक्स की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन करें चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर शक्ति कपूर रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके साथ दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार कमलेश पांडे अभिनीत श्रीदेवी रजनीकांत सनी देओल अनुपम खेर रोहिणी संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989 कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जिन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई उसमें फिल्म की कहानी संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था।
जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक झुग्गी में खुशहाल भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्घटना हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अंबा और बर्मा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए
मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गो के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते हैं और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण शाशा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बेमार दिल, ना जाने कहाँ से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देओल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहू अनूप कपूर, विश्वनाथ साइदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोज ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वें सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन एक्सप्रेस के बात कहते हुए निर्देशक
करें। चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी, सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित है। फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है, जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित, अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित, राजेश मजुमदार, कमलेश पांडे, अभिनीत श्रीदेवी, रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, रोहिणी। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और यह 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जीन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई। उसमें फिल्म की कहानी, संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है, जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया, जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ है, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक जुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है।
एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्गस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं, तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अम्बा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अम्बा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की जुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अम्बा और बलमा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि वह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते हैं और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है, जबकि जग्गू अंजू के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती है। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बीमार दिल, ना जाने कहाँ से आया गदगद हो गया, नाम मेरा
प्रेम काली भूत राजा तांडव नृत्य संगीत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान ना जाने कौन से आया ना सर्वश्रेष्ठ प्रव महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी सूरज सनी देओल जग्गू रजनीकांत त्रिभुवन अनुपम खेर अंबा रोहिणी दो अनूप कपूर विश्वनाथ साईदी जाफरी बटुकनाथ शक्ति कपूर अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी ब्लाइंड भिखारी कादर खान राजू राजा जुड़वा अफताब शिवदानी तिंत्रिक जोनी बाबा जॉनी लीवर बैंक प्रधंक अजय वादकर फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के ऐसी आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी ग्रिल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो विशिष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिक्स की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करें। चालबाज पंकज प्राशर द्वारा निर्देशित एक 1989 आई राजेश मजदूर और कमलेश पांडे की पटकथा पर बनी भारतीय फिल्म है। फिल्म में श्रीदेवी सनी देओल और रजनीकांत मुख्य भूमिकाओं में हैं। अनुपम खेर शक्ति कपूर रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। 1973 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। अंजू जो अपने चाचा के साथ बुरी तरह से पेश आती है और उसके साथ दुष्व्यवहार करती है और अपना जीवन सेवा भाव और मंजू में बिताती है जो बड़ी होकर एक स्मार्ट लड़की बनती है और बाधाओं को धक्का दता देते हुए समाज को चुनौती देती है। निर्देशक पंकज प्राशर द्वारा निर्मित अपूर्णा चंद्र राव द्वारा लिखित राजेश मजुमदार कमलेश पांडे अभिनीत श्रीदेवी रजनीकांत सनी देओल अनुपम खेर रोहिणी संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल छायांकन मनमोहन सिंह द्वारा संपादित आफास हुसैन द्वारा वितरित लक्ष्मी प्रोडक्शंस रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 1989 कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 20 करोड़। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और यह 1989 की पांचवी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म के जिन तत्वों को बहुत प्रशंसा की गई उसमें फिल्म की कहानी संगीत और दोहरी भूमिका में श्रीदेवी का प्रदर्शन शामिल है जिसे बॉलीवुड में उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फिल्म को 1990 में कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में रीमेक किया गया जिसमें मलश्री अभिनीत थी। इसे ओडिया में गंगा जमुना के रूप में भी बनाया गया था। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी के जन्म के तुरंत बाद अलग हो गई हैं।
अंजू अपने चाचा त्रिभुवन और चाची अंबा के साथ समाप्त होती है, जबकि मंजू को एक झुग्गी के माहौल में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। हालांकि अपनी वसीयत में वह घोषणा करते हुए कि जुड़वा बेटियों के 21 वर्ष के हो जाने पर उनकी बेटी उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी, त्रिभुवन और अंबा के इस परिणाम के कारण अंजू को एक कोई और आसानी से भयभीत लड़की के रूप में लाया गया, केवल उसे जीवित रखने के लिए ताकि वह संपत्ति में हस्ताक्षर कर सके। उनका नाम, घर का नौकर रद्दू, अंजू का छोटा भाई राजा और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति करता है। अंजू को शास्त्रीय नृत्य पसंद है और जब वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत चुनती है तो नृत्य करने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाती है। अपने जन्मदिन पर त्रिभुवन एक भव्य पार्टी की मेजबान करता है। शिरकत करने वाली कई मेहमानों में उनके दोस्त विश्वनाथ हैं, जो आमतौर पर अंजू के प्रति दयालु हैं। जब भारतीय शास्त्रीय संगीत पार्टी में बसता है तो अंजू नाचने का विरोध करने और फटने में असमर्थ होती है, लेकिन त्रिभुव की गलती से थप्पड़ मारती है। हालांकि पार्टी में शांत है, वह अगले दिन कोड़े से अंजू को बेरहमी से पीटता है। दूसरी ओर मंजू एक झुग्गी में खुशहाल, भाग्यशाली और स्ट्रीट स्मार्ट स्टेज डांसर के रूप में विकसित होती है। अपने दोनों और को गांव के लोगों को धोखा देने के लिए बताती है और अपने पड़ोसी को टैक्सी चालक जग्गू के साथ बचपन की दोस्ती करती है। एक रात वह बियर पीने के लिए एक बार से दुर्ग्रस्त हो जाती है, जहां वह सूरज विश्वनाथ के बेटे से मिलती है और उसे फ्लर्ट करती है। सूरज जल्द ही उसके लिए गिर जाता है। विश्वनाथ सूरज को जब एक और दिन शादी करने के लिए तैयार कर रहा है, जब वह उसे अंजू की तस्वीर एक भावी शादी की पेशकश के रूप में दिखाता है, तो वह सहमत हो जाती है। उसे मंजू होने का गलत अनुमान लगाती है। जब वह अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के स्थान पर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती है और उसे एक आतंक का दौरा पड़ता है, जो सूरज और विश्वनाथ को डराता है। त्रिभुवन और अंबा ने अंजू के लिए शादी के प्रस्तावों को शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के भाई बटुकनाथ ललन प्रसाद मलवानी उर्फ बलमा के से उसकी शादी करना चाहते हैं। वे बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है और अपने पालते कुत्ते को मारता है। जब वह अपने बचाव के लिए छलांग लगाता है, दुर्घटना के मोड़ पर भयभीत अंजू घर से भाग जाती है। जब तक सूरज उसे बचाता है और तब तक उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हुआ और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ी। भाग्य के एक मोड़ ने उसके कोर्सिंग खत्म हो जाते हैं और जबकि दोनों कभी नहीं मिल पाते, वह स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक घायल मंजू को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में समाप्त होती है। मंजू को सूरज से प्यार हो जाता है। मंजू आसानी से त्रिभुवन अंबा और बलमा पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, जबकि तीनों अंजू के लिए उसकी गलती मानते हैं और उसे कमजोर मानते हैं। मंजू ने ताकत और आक्रामकता प्रदर्शित करने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें नियंत्रण में ले लिया। इस बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नए मंजू के लिए गिरने लगती है। वह उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह सहमत है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है
और सोचता है कि मंजू उससे दो टाइम है और उसके साथ टूट जाती है। दोनों बहनें एक दिन तक आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। बलमा अंजू को मंजू के स्थान पर बिठाती है और यह कहता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू को अपहरण करता है। उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के दोस्तों में से एक ने बलमा को त्रिभुवन के फोन पर बात करते हुए मना कर दिया और मंजू सूरज और जग्गू को सूचित किया कि यह अंत समझते हैं कि क्या हाल चल रहा है। वह उस बंगले में पहुंचते हैं और जहां त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उसके पास नानी बंद भी होती है। सूरज मंजू और जग्गू त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं और अंत में मंजू के साथ एक निविदा क्षण साझा करते लिए मिलते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में सूरज मंजू से शादी कर लेता है जबकि जग्गू अंजू से के साथ खत्म हो जाता है और वह खुशी से रहते हैं। वे दोनों जुड़वा लड़कियों के साथ धन्य हैं और जो एक दिन पैदा होती हैं। संगीत संगीत संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आनंद बख्शी के गीत के साथ फिल्म के स्कोर की रचना की। संगीत का निर्माण जी म्यूजिक कंपनी ने किया था। फिल्म के गाने बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुए, जैसे ना जाने कौन से आया बहुत हिट क्लासिकल बन गया। पहला तेरा बीमार दिल, ना जाने कहां से आया, गदबद हो गया, नाम मेरा, प्रेम काली, भूत राजा, तांडव, नृत्य संगीत। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर गीत के लिए सरोज खान, ना जाने कौन से आया, ना सर्वश्रेष्ठ पूर्व महिला गायक कविता कृष्णमूर्ति नामांकित। कास्ट अंजू मंजू दोहरी भूमिकाएं श्रीदेवी, सूरज सनी देवल, जग्गू रजनीकांत, त्रिभुवन अनुपम खेर, अंबा रोहिणी, दहु अनूप कपूर, विश्वनाथ साइदी जाफरी, बटुकनाथ शक्ति कपूर, अंजू और मंजू की नानी अरुणा ईरानी, ब्लाइंड भिखारी कादर खान, राजू राजा जुड़वा, अफताब शिवदानी, तिंत्रक जोनी बाबा, जॉनी लीवर, बैंक प्रधंक, अजय वादकर। फिल्मफेयर में श्री बावी के प्रदर्शन को हिंदी श्रीदेवी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा के 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की अपनी सूची में चालबाज चौथे स्थान में दिया गया, जिसमें कहा गया कि श्रीदेवी गर्ल्स के लिए पेटेड और वह अन्नपूर्णा के लिए अपने प्रदर्शनों की आवश्यकता होती है तो वृष्ट रूप से आंसू देखने की उनकी क्षमता होती है। उन्होंने सनी देओल और सलमान खान को बनाया। रजनीकांत फिल्म में साइकिस की तरह लग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने कहा श्रीदेवी के प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिल गया। रेडिफ ने फिल्म बॉलीवुड में 25वीं सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की अपनी उल्टी गिनती में कहा वाइट डॉन और यह कि फिल्म एक हत्यारे की कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करती है। चालबाज में श्रीदेवी के अभिनय बारे में इंडियन एक्सप्रेस के बात कहते हुए निर्देशक